चौंकाने वाली स्थिति जरूर है, क्योंकि जिस योजना के जरिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक तस्वीर खींची गई थी कि सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को दिया जाए, लेकिन किसे पता था कि रोजगार के नाम पर लूट मचेगी, वो भी ऐसी लूट कि हमें आज कहना पड़ रहा है कि जिस पर जनता ने भरोसा किया उसी ने 8 वर्षों से गरीब के मेहनताने को लूट रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि एक ऐसी योजना है जिसके जरिए सरकार सत्ता में आती है, सत्ता में आने के बाद योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया जाता है और योजना को गांव तक पहुंचा दिया जाता है। आज वही महात्मा गांधी रोजगार योजना भ्रष्टाचारियों के लिए लूट का अड्डा बन गया है और आज ऐसे भ्रष्टाचारियों का मनोबल अधिकारियों की जांच जैसे दायित्वों की वजह से बढ़ा हुआ है। दरअसल यह तस्वीर पूर्णिया के जिला मुख्यालय की है, जहां बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूर अपनी मेहनताना लूट की शिकायत जिला पदाधिकारी से करने आए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि रकीबगंज मुखिया प्रतिभा देवी, मुखिया पति राजेंद्र यादव मनरेगा मजदूरों की मेहनताना को लगातार 8 वर्षों से लूट रहा है। आज भी इनके खाते से झांसा देकर मुखिया पति ने राशि का उठाव कर लिया। मांगने पर इसके साथ गाली गलौज करता है, सरकारी योजना से वंचित कर देने की धमकी दे रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। फिर क्या है? हमारा नाम है फूल कुमारी देवी। अच्छा। 2 नंबर वार्ड में रहते हैं, ये बालूगढ़ पंचायत पड़ता है। ये जो है कि हमको आया 2 पति पत्नी से कितना 4,600, तो हमारा टीबी बीमारी था, तो हम जो है 100 का खर्चा कर दिए, एक परिवार को दे दिए उसको। कितने सालों से ऐसे हो रहा है? एक के बार उठाए हैं। कितने साल में? ये जो है 2008 में मिला है। 2008 से लेके अभी तक 12 साल से आप लोग पैसा नहीं उठाए? नहीं नहीं उठाए हैं। तो आप लोग के पास कोई ये है, आप खाता का प्रूफ है? हाँ, खाता है, दिखाइएगा। तो ATM है, खाता है, पासबुक है, जब काट है देखे ही दरखास्त बना के हम लोग यहाँ कोर्ट आए हैं। मनरेगा का क्या समस्या आ रहा है? मनरेगा का मतलब सर, एक कोई भी पैसा किसी को नहीं मिला, जो मिला तो राजेंद्र यादव ने ले लिया था टका, उठा ऊपर जा बनवा के बैंक से ले लिया, बोला कि तू लोग का टका उठ गया, जा तू लोग घर जा। तो सर मतलब गरीब 20-22 आदमी था। कितना रुपया ताश ताश ताश